आजकल सीजन के हिसाब से डेंगू फीवर बहुत हो रहा है। डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है और ये मस्कीटो स्पेशली फीमेल एडीज इजिप्टियाई से फैलता है। खास बात इस मच्छर की है कि ये दिन के समय काटता है, तो आपने बहुत अवेयर रहना है। और जो साफ पानी है उसमें पनपता है, यानी ब्रीड करता है। कोई भी बुखार हो और यदि बहुत ज़्यादा लगे, बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ है, तो ये कह सकते हैं कि ये वायरल फीवर है। वायरल फीवर है तो वायरल फीवर कहीं एक हिस्से में तो होता नहीं है, और ख़ास करके यदि हम डेंगू की बात करें तो ये हमारे पूरे सर के बाल से लेकर और पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर को इन्वॉल्व करता है। तो सिम्टम्स हमारे यदि हम सर से शुरू करें, हेडेक, आँखों में दर्द, आँखों का मतलब स्पेशली जो आँखें है, आँखों के पीछे आईबॉल रेट्रोबल्बर पेन बोलते हैं, गर्दन में दर्द, हाथ पैरों में मस्कुलर पेन बहुत ज़्यादा होता है, आदमी इवन कि चल फिर नहीं पाता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, पेन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पेन होता है हेडेक आँखों में, और बैक पेन। बैक पेन इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी इस बुखार का नाम पहले तो कहते थे ब्रेक बोन फीवर, डेंगू फीवर का दूसरा नाम ब्रेक बोन फीवर था। वो केवल पेन की वजह से है, जब पेन बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से ब्रेक बोन फीवर इसका नाम रखा हुआ है। और ये तो क्लासिकल सिम्टम है कि जब पेशेंट पहले या दूसरे दिन होते हैं, फिर वो डिपेंड करता है कि और क्या हम कब सस्पेक्ट करें कि डेंगू फीवर हो सकता है। जैसे उसमें ब्लीडिंग का डर होता है तो हाथ पैर में नीले या लाल निशान होने लगते हैं, उल्टी होने लगी, धड़कन बढ़ जाए, पेट में दर्द हो, ये सभी लक्षण भी डेंगू फीवर के हो सकते हैं आजकल के सिंह के हिसाब से। तो सर इस तरह के कि जब हमारे पास पेशेंट आए तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि कोई भी क्लिनिशियन की अच्छे से उसकी हिस्ट्री ले कि पैर के दर्द की शुरुआत कब हुई है, उस हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन डिसाइड होगा। यदि पेशेंट हमारे पास हमने अच्छे से क्लिनिकल हिस्ट्री ली और सूर्य के 1 वीक आया तो एंटीजन टेस्ट करते हैं, इसे बोलते हैं NS1 एंटीजन। यदि हमें डाउट है कि हिस्ट्री पूरी पता नहीं, पेशेंट को शायद तकलीफ पहले से हुई, जैसे पेशेंट कहता है कि हाथ पैर में दर्द हुई है या फटीग था या जनरल फ्रस्ट्रेशन थी, तो इसको हम डेंगू प्रोफाइल भी कर सकते हैं। यदि पेशेंट शुरू के 5-6 दिन में आता है, क्लासिकल सिम्टम है, तो स्टार्ट में डेंगू NS1, और यदि 5-6 दिन के बाद आता है तो हमें डेंगू प्रोफाइल करते हैं जिसमें एंटीबॉडी IgM एंड एंटीबॉडी IgG होता है। साथ में ये तो स्पेशली डेंगू के लिए है, लेकिन दूसरे कॉम्प्लिकेशन या सिम्टम के हिसाब से सबसे पहले CBC का मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हीमोग्लोबिन, PCB, TLC, DLC, प्लेटलेट काउंट, ये सब इम्पॉर्टेंट होती है। और जैसे किसी को सस्पेक्ट करते हैं डायबिटीज़ है या उल्टी कर रहा है, तो लीवर के लिए भी लीवर फंक्शन टेस्ट, शुगर, ये हमें शुरू में करने चाहिए। सर इसके साइड हो गया कि ये हमारा डेंगू फीवर है, तो हमने उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में पहले सोचना है। कॉम्प्लिकेशन इसकी सिचुएशन के हिसाब से, यदि केवल सिंपल डेंगू फीवर है या क्लासिकल डेंगू फीवर है तो आमतौर पे जो जनरल कॉम्प्लिकेशन भी नहीं कहनी चाहिए, शरीर में जो तकलीफ है वो ज़्यादा होती है, हेडेक, बॉडी एक, आइस पेन, बैक पेन, मसल पेन, स्वेटिंग, ये सब होती है। ये तो कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं, ये समय के हिसाब से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो इसके डेडेड कॉम्प्लिकेशन है, जिनसे हम लोग सभी लोग डरते हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी भी डरती है, वो है जो इसके कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन 2 तरह से हो गए, एक तो शॉक सिंड्रोम और दूसरा हेमरेजिक। हेमरेजिक मतलब ब्लीडिंग। यदि ब्लीडिंग होने लगे तो ये ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, स्किन पे लाल निशान होने लगते हैं, नीले नीले चकत्ते होने लगते हैं, नाक से, मुंह से गम ब्लीडिंग होने लगती है, और कभी कभी लैटिन में ब्लीडिंग, यानी काले रंग की लैटिन आती है और उल्टी होने लगती है, ये तो हेमरेजिक है। इसके साथ साथ ये तो ऐसे हैं जो हमें क्लिनिकल देखने में लगता है कि नाक से हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। दूसरे कॉम्प्लिकेशन ऐसे हैं जो हमें केवल पता चलता है इन्वेस्टिगेशन के, तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब हमने एक्सरे किया, अल्ट्रासाउंड किया, ब्लड टेस्ट किया, लीवर फंक्शन टेस्ट किया, तो हमें पता चला कि इसकी प्लेटलेट कम हो गई है, TLC कम हो गया है, हिमेटोक्रिट या PCB बहुत बढ़ गया है, एक्सरे में फेफड़े में पानी भर सकता है, अल्ट्रासाउंड में दोनों तरफ पेट में पानी भर सकता है, गॉल ब्लैडर में सूजन, लीवर में सूजन, ये सब कॉम्प्लिकेशन है। ये तो कॉम्प्लिकेशन है जिसमें मरीज के ठीक होने की संभावना ज़्यादा है। कुछ कॉम्प्लिकेशन है लाइक ब्रेन में सूजन आ गई, ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई, दौरा पड़ गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लीडिंग होने लगी, ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो सर ये जैसे कोई भी वायरल फीवर है तो उसका इलाज शुरू में तो सिम्टोमेटिक ही होता है, तो आदमी घर पर भी रह सके, जैसे आमतौर पर होता ही है, 1-2 दिन देखा,
बुखार की दवा है, बुखार की दवा खा ली, पैरासिटामोल खा लिया, पेन किलर खा लिया, इस तरह से लोग घर पे भी रह सकते हैं और पानी खूब पिए, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करें। लेकिन कुछ जैसे कहते हैं कि हम लोग वार्निंग साइन है कि मतलब हमें कब डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, तो उसमें पहली बात है यदि ये लगे कि बुखार एकदम कम हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा जैसे 99 होता है तो टेम्परेचर 97 हो गया, 95 हो गया, हमारी स्किन या हाथ पैर बहुत ठंडे हो गए, दिल की धड़कन धक 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 थोड़ा ज़्यादा हो गई, पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ, उल्टी होने लगे, सर दर्द होने लगे या फिर ब्लीडिंग होने लगे, ये कुछ वार्निंग साइन है जैसे स्वेटिंग, पेल्पिटेशन, पेट का दर्द, ब्लीडिंग और चक्कर आना, बेहोशी होना या हमें लगे कि एकदम जैसे शॉक कहते हैं कि पेशेंट एकदम ठंडा हो गया, तो हमें तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। वायरल फीवर है, यदि कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ तो सिंपल वायरल फीवर है, जैसे हर कोई वायरल फीवर 6-7 दिन या 10 दिन में रिकवरी हो जाती है, तो सिंपल ट्रीटमेंट इज मेनली सिम्टोमेटिक, जैसे बुखार है तो बुखार की दवा, पेन है तो पेन किलर, पानी की कमी है तो पानी कमी को पूरा करना, ये तो सिंपल ट्रीटमेंट है। खास करके डेंगू, यदि हम डेंगू सस्पेक्ट करते हैं या हमारा डेंगू कन्फर्म हुआ है, तो हमें पेन किलर जो आमतौर पर हम लोग लेते हैं, डाइक्लोफेनेक हो गया, बोबेरान हो गया, कॉम्बिफ्लेम हो गया, इन सबको इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से ब्लीडिंग होने का ज़्यादा डर रहता है। यदि प्लेटलेट कम है तो ये सब दवाएं खून को पतला करती हैं और ब्लीडिंग कम करती हैं, ब्लीडिंग को बढ़ावा देती हैं, तो ये सब दवा सिंपल और अच्छी दवा है पैरासिटामोल, ये 3-4 बार आप ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। यदि इन सब से नहीं सुधार हुआ, आपको हॉस्पिटल जाना हुआ, तो फिर ट्रीटमेंट होता है सिम्टम वाइज या कॉम्प्लिकेशन वाइज, जैसे पानी की कमी है, पीसीबी बढ़ गया है, हेमाटोक्रिट बढ़ गया है, तो आईवी फ्लूइड है, सप्लीमेंट्री है, बेसिकली हाइड्रेशन मेंटेन करना है, प्लेटलेट कम हुई प्लेटलेट रिप्लेस करते हैं, ब्लीडिंग हुई तो ब्लीडिंग का जो भी ट्रीटमेंट है, या आगे का कॉम्प्लिकेशन हुआ, सीजर हो गया, सांस की तकलीफ हो गई, फेफड़े में पानी हो गया और पेट में पानी हो गया, तो ये बेसिकली हॉस्पिटल में ही होता है और ज़्यादातर लोग रिकवर कर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली यदि किसी को सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, ब्लड प्रेशर कम हो गया जिसे हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं, या हेमरेजिक हो गया, तो फिर थोड़ा लाइफ को खतरा रहता है। जो खास करके यदि हम घर पे पेन किलर या एंटीपायरेटिक या बुखार की दवा लें, तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। कौन सी? एक तो जैसे आमतौर पर जो पेन किलर हैं, बोबेरान है, कॉम्बिफ्लेम है, ये सब अवॉइड करनी चाहिए, फ्लेक्सोन है, इससे ब्लीडिंग के चांसेज हैं। और कुछ जो हमारे लोग जिनको जैसे हार्ट की तकलीफ़ है, डायबिटीज़ है, किडनी की तकलीफ़ है, वो ज़्यादातर लोग खून पतले करने की दवा लेते हैं। यदि डाउट हुआ कि थोड़ा ब्लीडिंग कम हो या शरीर पे कहीं भी काले निशान या लाल निशान दिखें, तो उनको खून पतला करने की दवा डॉक्टरी सलाह के बाद बंद करनी चाहिए। सर थैंक यू। और कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं कि भाई ब्लड टेस्ट किया और प्लेटलेट कम हो गई, प्लेटलेट कम होने का एक बहुत बड़ी रेंज है, जैसे 1.5 लाख है, 1.5 लाख से घटते घटते यदि प्लेटलेट 20,000 से कम हो जाए तब तो पैनिक होने की ज़रूरत है, वरना कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर आपको देखेगा, दोबारा चेक करेगा, तिबारा चेक करेगा, प्लेटलेट देखेगा, यदि ज़रूरी समझेगा तभी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होगा या प्लेटलेट देने की ज़रूरत है। एकदम प्लेटलेट 1.5 लाख से 50,000 हो गई या 30,000 हो गई या 40,000 हो गई तो एकदम पैनिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा अवेयर रहना है। दूसरी बात यह है कि जैसा होगा वो सब होगा। आजकल जो मैं हम लोगों की क्लिनिकल सेटिंग में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पर इस किए, इस बार कुछ नई बातें लग रही है कि 2-3 चीज़ें थोड़ा और दिनों के मुकाबले और सालों के मुकाबले ज़्यादा हो रही है। एक तो शरीर में इचिंग ज़्यादा है, खुजली ज़्यादा है, स्किन में पूरा रेडनेस है लेकिन उसमें ब्लू स्पॉट नहीं है। ब्लू स्पॉट का मतलब हो गया ब्लीडिंग का खतरा, लेकिन यदि केवल लाल रंग के स्पॉट हैं तो उसमें कोई ऐसा खतरा नहीं है ब्लीडिंग का। दूसरा, इस बार हमने ऑब्जर्व किया है कि लोगों को एसाइटिस यानी पेट में पानी भरना और फेफड़ों में पानी भरना कुछ ज़्यादा है और दिनों के मुकाबले में। थोड़ी एक जनरल अवेयरनेस है, जनरल बात करनी है कि अभी बहुत अवेयरनेस हो गई है, सभी लोग हर तरह से अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं, मच्छर से बचाव कर रहे हैं, और यदि बुखार आ रहा तो लोग दवा ले रहे हैं, लेकिन एक पैनिक या डर की वजह से लोग पहले दिन या दूसरे दिन पूरा टेस्ट कर दे रहे हैं, साथ में डेंगू के साथ साथ टाइफाइड का भी टेस्ट कर रहे हैं। इस बार हमने ऐसा देखा है कि ज़्यादातर लोग जो पहले या दूसरे दिन टाइफाइड का टेस्ट या डेंगू का टेस्ट कर रहे हैं, और जिसमें ज़्यादातर लोगों के डेंगू के साथ साथ टाइफाइड भी पॉजिटिव आ रहा है, जिसे हम IgM या IgG बोलते हैं। शुरू के यदि 2-3 दिन टाइफाइड का टेस्ट IgM या IgG पॉजिटिव आए
तो ज़्यादा चांसेज हैं कि ये टाइफाइड ना हो, डेंगू की वजह से है। तो आप ध्यान रखें और जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे आप सलाह लें।